मुखिया जी भाग रहे हैं, मुखिया जी भाग रहे हैं, मुखिया जी भाग रहे हैं। मैदान में किसमें है तिखा दाम? मैदान में किसमें है तिखा दाम? किसमें है कितना दम? ये इसलिए हम कह रहे हैं कि पशुपालन मंत्री जो मुकेश सहनी हैं, उनके ऊपर विधानसभा में बवाल शुरू हो गया। विधानसभा सत्र के दौरान पूरी तरह से पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी को विपक्ष लगातार हमले कर रहे हैं। क्यों, जरा ये हम स्पष्ट तौर पे आपको बता दे। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दस डी न्यूज। विधानसभा के अंदर मुकेश सहनी को विपक्ष लगातार हमले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भाई जो हैं मुकेश सहनी यानी पशुपालन मंत्री के जो भाई साहब हैं, उन्हें कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम में भेज दिया जा रहा है। भाई उन्हें भेज दे रहा है और उनकी दबंगई इतनी है कि वो कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उनके साथ पूरा प्रोटेक्शन जा रहा है, जिसको लेकर ये बवाल खड़े हुए हैं। और बवाल खड़े होने के बाद मुकेश सहनी ने जब विधानसभा के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उसी वक्त पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछ दिए। सवाल पूछे तो जरा मुकेश सहनी किस लहजे में बोले हैं, यानी मंत्री साहब किस लहजे में बोले हैं, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। मुकेश जी भाग रहे हैं, मुकेश जी भाग रहे हैं, मुकेश जी भाग रहे हैं। मैदान में किसमें है तिखा दाम? चलिए आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, क्या कहना है आपको इस पर? देखिए, खास करके जो विपक्ष के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ही असत्य है और इस तरीके का नहीं हुआ। और खास करके देखिए, मुझे कार्यक्रम में जाना था और विधानसभा की वजह से मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाया और मेरे कार्यक्रम में आज पार्टी अध्यक्ष के नाते, मंत्री के नाते, हमारे पूरे बिहार में संगठन के बड़े पदाधिकारी हो, चाहे बूथ का हो या बड़े पदाधिकारी हो, हमारे स्वागत के लिए हमेशा पदाधिकारी वहाँ पर पहुँचते हैं। और बिहार में खास करके मेरे छोटे भाई दौरे पे हैं, जनता के बीच में घूम रहे, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंचा। वहाँ पे उससे पहले ही वो पहुंच चुके थे, बाद में पता चला कि मैं वहाँ नहीं पहुंच रहा हूँ और मैंने आदेश किया पदाधिकारी को कि गाड़ी जो वितरण करना था, खास करके SC ST अति पिछड़ा समाज के लिए राज्य सरकार के तरफ से स्कीम चलाया जा रहा है जिसमें 90% अनुदान मिल रहा है और उन लोगों को गाड़ी मुहैया कराना था, वितरण करना था, तो मैंने नहीं जाने के कारण वहाँ पे पदाधिकारी के द्वारा वितरण किया गया। और वहाँ पे आप एज ए पार्टी अध्यक्ष के नाते या एक मंत्री के नाते, मेरा छोटा भाई था तो वहाँ के पदाधिकारी भी या मीडिया भी उनको थोड़ा प्रमोट कर दिया गया और ये इंटेंशन कुछ भी नहीं था कि कार्यक्रम उनको जाना था, उनको प्रमोट कर दिया गया है। और कार्यक्रम में वहाँ पे कुछ फोटो वोटो निकला है, मैं आने वाले समय में इस पर ध्यान रखूंगा, इस तरीके से नहीं हो और इस तरीके अगर लोगों को अगर तकलीफ है तो खेद प्रकट भी करता हूँ कि आगे भविष्य में इस तरीके से ना हो। और कहीं पे भी ऑथराइज कि वो उद्घाटन करने के लिए गया या ऐसी कोई बात है तो कोई मुझे साबित कर दे, उसके लिए जो जुर्माना हो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। विपक्ष तो चाहता है कि यहाँ से हटे और इसका मतलब थोड़े है रहा कि देखिए आधिकारिक तौर पे वो कहीं पे भी कोई कार्यक्रम में नहीं गए हैं और ना कभी जाएंगे, ये क्लियर है। और रहा कि वहाँ पे कार्यक्रम में गए थे पार्टी के एज ए प्रूफ डेक, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही है, ठीक है, हम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन वो पार्टी के अध्यक्ष है और भाई रहने के नाते वहाँ पे मीडिया भी या पदाधिकारी भी उनको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिए कि प्रोजेक्ट कर दिया गया, तो ये हम चाहेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। भाई को नहीं भेजना चाहिए था आप मंत्री भाई को, और आपने अपने भाई को भाग भाई को भेजा नहीं गया। हमारे कार्यक्रम में भाई हो या बूथ का अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हमारे कार्यक्रम में सबको वहाँ स्थानीय अगल बगल में अगर कोई है तो हमारे कार्यक्रम में आना अनिवार्य रहता है, तो वो हमारे कार्यक्रम हमें रिसीव करने के बाद भाई के वहाँ पे उद्घाटन करने के लिए सब कुछ नहीं किया, सब कुछ देखिए बोलना ये बोलना उचित नहीं है। देखिए मेरे पास विभाग से दो गाड़ी मिला है और मेरे साथ 10 गाड़ी घूमता है और कभी कौन गाड़ी किसके साथ रहता है, जहाँ हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का गाड़ी नहीं है, सर्विसिंग के लिए गया तो मेरा गाड़ी पे पदाधिकारी घूम रहे हैं। अभी मैं अपना पर्सनल गाड़ी पे आप देखते रहेंगे, फॉर्च्यूनर मेरा पर्सनल गाड़ी पे मैं घूम रहा हूँ, उसका गाड़ी का पेट्रोल तक भी मैं अपने तरफ से मैं लगाता हूँ क्योंकि मुझे छोटा गाड़ी पे नहीं बैठना है।
तो ये सब चीज नहीं है, दो को गाड़ी मिला और कौन गाड़ी करने आपको बुलाया था, क्या बात देखा जाए तो एक्सेप्ट है कि थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, भविष्य में इस चीज को ध्यान रखा जाएगा, जानबूझ के गलती नहीं किया गया है, अनजाने में कुछ मानता हूँ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्होंने उनके पास जो जानकारी थे तो वो हमने उनको शेयर किया कि ये सारे चीजें हैं, मैंने जानकारी उनको मुहैया करा दिया। और ये विशेष अगर चीज है तो मुख्यमंत्री जी खुद आप लोगों को बता देंगे सारी बातें।